हरदोई पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने थाना लोनार व पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स द्वारा आज देर शाम थाना लोनार व पाली का औचक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा निम्न बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना क्षेत्र के समस्त भूमि विवाद के संबंध में राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर संबंधित को अनिवार्य रूप से पाबंद कराएं तथा प्रकरण भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित कराएं। लंबित विवेचनाओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समय से करने हेतु निर्देश दिए। थाना परिसर की बैरिक आवास मेस टॉयलेट आदि की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। लावारिस वाहन व माल निस्तारण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिए। थानों के टॉप 10 अपराधियों पर कार्यवाही व महिला संबंधी अपराध में विशेष संवेदनशील होकर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए। अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु निर्देश। कोविड हेल्प डेस्क तथा प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनपद में वांछित वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। थाना पाली के रजिस्ट्रों में कमी पाए जाने पर संबंधित मुंशी का स्पष्टीकरण लिया गया है तथा थाना अध्यक्ष पाली को 7 दिवस में सभी अभिलेख पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए। आशीष सिंह की रिपोर्ट। किया गया किस तरीके से, क्या सामने आया है और किस उद्देश्य से किया गया है? देखिए, थाना पाली का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जनपद में जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में आज यहाँ पे आके यथास्थिति को देखा गया है। बताया गया है कि जो टॉप 10 अपराधी हैं जनपद में माफिया हैं विभिन्न प्रकार के, उनको चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टी गैंग एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की जानी है। कोविड के अंतर्गत अधिक से अधिक चलान किए जाएं, मास्क न पहनने को लेकर जो 3 सवारी मोटरसाइकिल पर बैठ के चलते हैं नई उम्र के लड़के, उनको चेकिंग की जाए। इस प्रकार जैसे कि रात्रि में गश्त की जाए, जो थाने के अभिलेख हैं उनको ठीक किया जाए। आज जो मैंने अभिलेख चेक किए हैं और जो जानकारी की है उसमें अभिलेखों में कमी पाई गई है, उसमें जो संबंधित मुंशी हैं उनके स्पष्टीकरण तलब किए जा रहे हैं और जो कमियां रजिस्टर्स में पाई गई हैं उनके लिए यहाँ चेतावनी दी गई है और अगले कुछ दिनों में मेरे द्वारा पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें अगर सुधार नहीं आता तो फिर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।